मैंने जब उस बच्ची से पहली बार ये पूछा कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होती है तो मैं सुई लगा के ठीक कर दूँगी परिवार ने कहा भी नहीं देखो वहाँ तो लड़कियाँ जाती ही नहीं हैं वहाँ पे तुम क्यों नौकरी करोगे जो शरीर बेच के पैसा कमाती हैं अपने हुनर से भी पैसा कमा सकती हैं उनके अंदर कई टैलेंट हैं। बट उन्हें कोई मैं रेप और पॉक्सो केसेस की जब इन्वेस्टिगेशन करती थी तब भी मुझे थ्रेटिंग मिलती थी तब भी कहते थे तेरे को जान से मार देंगे तो मैंने कहा जब तू जान से मारने आएगा तब की तब देखी जाएगी अच्छा। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह आप जीबी रोड की चौंकी इंचार्ज रहेंगी अच्छा। तो उस समय मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि मैं जी रोड की चौंकी इंचार्ज लग रही हूँ तो क्योंकि जी रोड पूरी दुनिया में इस नाम से मशहूर है कि वो रेड लाइट एरिया है तो आ, मगर मुझे वहाँ पे लगाया जा रहा है तो आ, परिवार ने कहा भी नहीं देखो वहाँ तो लड़कियाँ जाती ही नहीं हैं वहाँ पे तुम क्यों नौकरी करोगी तुम अपना ना कहकर इसको चेंज करा लो तो मैंने कहा नहीं नहीं चेंज तो नहीं मैं कराऊँगी मैं तो वहाँ जाके काम करूँगी और सब ने कहा लोग क्या कहेंगे किसी को बताओगे कि ये ऐसे एरिया की आ, इंचार्ज लगी है।, है मैं तो सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी कि सुबह कैसे हो और उस समय मैं अपने टाइम से पहले उठ गई मैं डेली मोस्ट प्रॉब्ली सुबह पाँच बजे के करीब उठ जाती हूँ अपने जो भी घर के काम वगैरह तो करती हूँ उस दिन मैं एक डेढ़ घंटा पहले उठ गई फटाफट मैं अपने घर के काम करके और मैं मॉर्निंग में अपने डीसीपी साहब को रिपोर्ट की उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक आप अपना काम करो फिर भी अगर कभी तुम्हें कोई दिक्कत हो तो हम तो बैठे ही हैं और मैं उस दिन फर्स्ट डे ही जब मैं पहली बार ब्रोथल हाउस में गई थी और जिन्हें हम लोग कोठा बोलते हैं तो जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का लगा कि वो महिलाएं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं पूर्ण रूप से उनको इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो हम जैसे जिम जा सकते हैं हम जहाँ पे बाज़ार में निकल गए या कहीं पे भी उनको कोई को, को, हमें कोई रोक टोक नहीं है हम हर काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके ये है कि वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही और जिस लड़की से भी पूछो कि आप यहाँ पे क्यों रह रही हैं आप कोई दूसरा काम कर लीजिए तो वो सिर्फ उनके क्वेश्चन से यही होते थे कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं मतलब कि उनका माइंड इस तरह से वॉश कर दिया गया कि उनको यह कहा जाता है कि आपने बस इतना ही बोलना है मैं अठारह साल से ऊपर हूँ और अपनी मर्ज़ी से।, से कर रही हूँ तो हर औरत का यही जवाब सुन के कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है Uh, आप गड़बड़ समझे या कुछ है तो मुझे वो वर्ड अच्छे नहीं लगे तो मगर वो क्योंकि मेरे से खुलकर बात नहीं कर रही थी कि एक कि मैं पुलिस ऑफ़िसर हूँ और दूसरा कि बस ये फॉर्मेलिटी करने आई और मैडम फिर चली जाएंगी बट वो मेरा जुनूनी दिमाग जो है वो टिका नहीं और मैंने अगले दिन से उनको कहा कि ठीक है भी आप मुझे अब पुलिस ऑफ़िसर नहीं समझो मैं तुम्हारी एक फैमिली मेम्बर की तरह हूँ और मैं एक टीचर हूँ मैं तो लोगों को योगा की सिखाती हूँ तो मैंने सबसे पहले उनको योग ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया शुरू शुरू में तो पुलिस का थोड़ा सा दबाव के कारण वो तीस पैंतीस सीख रही थी फिर एक एक दो दो दिन में कोई ना कोई बहाना करके वो पाँच छः सात रह गई मैंने कहा चाहे तुम पाँच रो सात रो चाहे एक रो एक लड़की भी रही थी तो मैंने उसको योगा सिखाया कि मेरे दिमाग में ये आया कि कम से मैं एक जने को तो स्वस्थ करके छोड़ूँ तो तो मत करें दो हज़ार मत करें एक हज़ार ना करें सौ ना करें पचास ना करें दस एक लड़की भी अगर मेरे पास आ ट्रेनिंग करेगी मैं उनके ब्रोथल हाउस में जाके उनको ट्रेनिंग देती थी और कई बार तो ऐसा होता था मैं पंद्रह पंद्रह मिनट वेट कर रही हूँ कोई आता ही नहीं था फिर मैं उनको बुलाती थी फिर मुझे लगा कि मैं इनके जीवन को कैसे और बदल सकती हूँ बदल सकती हूँ मगर मैं जितनी भी उनके जो ट्रेनिंग करती थी लड़कियाँ करती थी तो मैं इसके बारे में अपने ऑफिस को तो बताते थे तो वो कहते थे कमाल है ये लड़कियाँ योगा कर रही हैं उनका हाँ सर कर रही हैं मैंने उनको कहा कि सर हम क्यों ना इनके लिए कुछ 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 छोटे छोटे क्रिएटिव वर्क करवाएं जिससे इनके अंदर एक जागृति पैदा हो और ये क्या नाम है आ, कुछ आ, समा इस समाज को छोड़ के हमारे सामाजिक जीवन में जुड़ सकें और वो अपने दिल की बात नहीं बताती थी तो मैंने उन लड़कियों को आ, पहली बार और मेरे लिए बड़ी खुशी के पल थे कि मुझे इसके लिए मेरे टीचर शिव कुमार कोहली सर ने गाइड किया कि आप इन्हें कोई लंबा चौड़ा क्योंकि कई लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं हैं कुछ ज़्यादा सपने दिखाने की जरूरत है उनको ऐसे कहो कि आज आपको दस, दस दिन के लिए या सात दिन के लिए कोई वर्कशॉप करा रहे हैं तो उन्होंने मुझे कहा दिवाली आ रही है इनको दिए बनाने सिखा खा दो इनको पेपर बैग बनाना सिखा दो और फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आई कि इनको जीबी रोड का नाम सुनते रेड लाइट एरिया का नाम सुनते कोई टीचर तैयार ना हो तो उनकी बिटिया आर्ट टीचर थी तो मैंने मुझे सर ने खुद सजेस्ट किया कि मेरी बेटी को ले जाओ अगर कोई टीचर नहीं तैयार हो रहा तो एक 19-20 साल की लड़की रेड लाइट एरिया में आकर उन लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही थी तो मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया कि समाज में अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी तो मैंने उनको एक हफ्ता पूरा दिए बनाने सिखाए जब उन्होंने अपने हाथ से कलरफुल दिए बनाए तो उनके खुशी के पल ही नहीं थे और आप मानोगे कि लोगों की कहावत है कि ऐसे घर की मिट्टी जहाँ पे ब्रोथल हाउस है वहाँ की मिट्टी से देवियों की मूर्ति बनाई जाती है दिवाली के समय में दुर्गा पूजा जो दुर्गा जो पूजा होती है उनसे डॉक्टर टीचर इंजीनियर हाउसवाइफ, एनजीओ ने आके दिए खरीदे हमारे दिल्ली पुलिस के कई ऑफिसर्स ने अपने उन्हीं के हाथ के बनाए दिए जो थे अपनी दिवाली पे जलाए और जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ उन लड़कियों में हमने बराबर चाहे किसी ने एक दिया बनाया किसी ने दस दिए बनाए जितने भी बनाए सबको बराबर बराबर पैसा दिया और ऐसे नहीं कि उनको पैसा दे दिया जो पेपर बैग उनके लिए एक प्रॉपर फंक्शन रखा गया अच्छा ग्रेट उनको वहाँ पे सम्मानित किया गया हमारे जो जॉइंट सीपी सी पी बुंदेला साहब थे वो आए उन्होंने एक बड़े ऑडिटोरियम में उनको उनके दिए हुए कामों के लिए सर्टिफिकेट दिया कि आपने वर्कशॉप अटेंड की जो एक आवाज़ आती थी उनको मन में कि नहीं पुलिस आ गई पुलिस आ गई छुप जाती थी आ, रेड, आज रेड के लिए पुलिस आ गई हाँ तो वही पुलिस से वो सम्मानित हो रही हैं तो उनके अंदर एक जागृति पैदा हुई एक खुशी पैदा हुई और उन्होंने इस चीज़ की बहुत सराहना की और मैं आपको बताऊं तब मुझे वहां पे दो लड़कियां मिली और उन्होंने कहा कि हम इस काम को नहीं करना चाहते हमें ये जो पैकिंग का काम और ये डिजाइनिंग का काम है बड़ा पसंद आया हम अपने इस धंधे को छोड़कर हम जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने मदद की शुरू शुरू में एक कंपनी में उन्हें मैंने पैकिंग में लगवाया और अब वो इस जीवन से बिल्कुल अलग हो मगर मेरे लिए एक और चैलेंज आ गया कि जब ये लड़कियां इतनी खुश हो रही हैं वर्कशॉप अटेंड करके आज दो लड़कियां निकली हैं ऐसे अच्छे काम से कि वो अपने हुनर से अपने जो शरीर बेच के पैसा कमाती हैं अपने हुनर से भी पैसा कमा सकती हैं उनके अंदर कई टैलेंट हैं बट उन्हें कोई सपोर्ट पर्सन अभी तक नहीं मिला तो मैंने वहाँ पे जा जा के धीरे धीरे लड़कियों के साथ बातचीत करना शुरू किया तो वहाँ पे उस दौरान में चेकिंग के दिन मैंने एक दिन देखा कि एक महिला का महिला की करीब पाँच साल की बच्ची जो थी वहीं पर बैठी रहती थी तो मैंने उस लेडी से बात की भी तुम्हारी बेटी तुम्हारी एक्टिविटी देखती है पाँच छः साल के बाद फिर वही इसी काम में आ जाएगी तो तुम इसका जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो तो कह रही थी कि मैं मैडम मैं स्कूल में कई बार सोचा इसका एडमिशन करा दूं बट किसी को ये पता चलेगा कि इसकी माँ धंधा करती है तो मैं आ, मेरी बेटी को तो फिर कोई स्कूल में रखेगा नहीं और मेरी बेटी मैंने कहा अब जब ये बड़ी हो जाएगी तो तब इसको पता चलेगा कि तुम ऐसा काम करती हो तो इसके लिए भी कितने दुख की बात है तो तुम अपने काम के कारण इसका जीवन क्यों खराब कर रही हो तो कह रही थी आप मैंने कहा मैंने उसे कहा कि मैं इसको स्कूल में एडमिशन करवा दूँ तो उसने कहा कि मैं बड़ी शुक्रगुजार रहूँगी तो मैंने ये बात खूब लेटर लिख लिख कर अपने ऑफिसर्स को मिनिस्ट्री को इवन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू मैंने उस बच्ची को पेश करवाया और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से कहा कि आपके पास जो बच्चे आते हैं वेलफेयर के लिए आप इस बच्ची का भी वेलफेयर कीजिए तो उन्होंने पूछा कि ए, ये बच्ची को क्यों करवाना चाहते हो मैंने कहा नहीं मैंने जब उस बच्ची से पहली बार ये पूछा कि बेटा आप बड़े हो क्या बनोगे तो उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैंने कहा देखिए कि उसके सपने सिर्फ़ यहीं दबकर रह जाएंगे तो ये डॉक्टर कैसे बने तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछा या हमारे ऑफिसर भी आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो तो उसने कहा मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ़ होती है तो मैं सुई लगा के ठीक कर दूंगी तो यानी कि वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं दर्द में देखती दर्द में थी, देख थी तकलीफ़ में देखती थी तो मैंने उसके लिए कम से कम चार पाँच महीने खूब मतलब कि हाथ पांव मारे और मैंने उसका एडमिशन एक चाइल्ड होम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू एक चाइल्ड होम में कर दिया जी। तब मेरे लिए बहुत खुशी का पल था कि एक बच्ची को मैं एक सही राह पे लेकर गई उसकी मदर उसको जब चाय मिल सकती है जिस तरह से हॉस्टल से बच्चे अपने घर में आते हैं तो बस उसके लिए छोटी छोटी जो चाइल्ड वेलफेयर ने डायरेक्शन दी थी कि आप वापस इस जगह नहीं लेकर आएंगे अपनी बच्ची को अलग से एक घर में रखेंगे मतलब वापस इस जगह नहीं लाएंगे तो जब मीडिया ने उस बच्ची से मतलब कि कुछ लोग आए और उन्होंने जब इस बात को पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं बड़े होके किरण सेठी बनना चाहता <laughs> तो मेरे लिए कितनी खुशी की बात थी कि एक जो अपनी माँ को देखकर डॉक्टर बनना चाहती थी जब उसने देखा कि मुझे एक सही एम मिल गया उस बच्ची को एक सही एम मिल गया तो वो वो मतलब कि बच्चा जैसा देखता है वैसा, वैसा बनना चाहता है तो हमने उस बच्ची को एक सही जगह पे और उस जगह पे ले जाए मैं चाहती हूँ बड़ी होकर डॉक्टर बने देश की एक अच्छी नागरिक बने भारत का नाम ऊंचा करे चाहे किसी भी फील्ड में जाए आज जी। वो बच्ची एक जो एक है अपनी माँ के नाम से पहचानी जाती थी आज के बाद जब वो बच्ची कुछ बन जाएगी तो उसकी माँ अपनी बेटी के नाम से पहचानी और ये सिलसिला यहाँ ही नहीं रुका मैं अपने काम को मैंने ये सोच के ये नहीं किया कि हाँ बस ये करवा दिया मेरा एक रिकॉर्ड बन गया कि मैंने एक अच्छा काम किया मैंने ऐसे और कई अच्छे काम करने थे तो इसलिए मैं अपने आप को लगातार कुछ ना कुछ करती रहती थी मैंने अपनी रेस्क्यू की बात की तो मैंने आपको ये बताऊँ कि ठीक है एक लॉ का ऑर्डर और, है कि यहाँ पर कोई नाबालिग काम नहीं करे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करे तो कई बार लोग छुप छुप के भी इस काम को करते हैं मगर जब अगर हमारी नजर में आता है कि हम किसी की मदद करके एक उसको नया जीवन जीवन दे सकते हैं है। उनके जीवन के अंदर कुछ बदलाव ला सकते हैं किसी की आजीविका चेंज करना भी एक बहुत बड़ा प्रभु जैसी सेवा का काम है यदि कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने किसी महिला को रेस्क्यू करने का प्रयास किया आपको पता लगा कि भाई ये अपनी मन से ऐसा काम नहीं कर रही है जी इस धंधे में अपनी मन से नहीं है जबरदस्ती इसको लाया गया है और आपको लगा कि मैं इसकी मदद करती हूँ उसको रेस्क्यू करती हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा रैकेट होता है उनके पीछे बड़े माफिया टाइप के लोग होते हैं अलग तरीके के लोग होते हैं कभी आपको कोई थ्रेटरिंग आपको कभी कोई इस तरह का लगा हो कि भाई मुझे कोई दबाव डालना चाह रहा है या कभी ऐसा कोई प्रेशर फील हुआ हो कि यार मैं मान लो आज दो महिलाएं आई हैं कहते ना कि वो हफ्ता वसूली का एक नियम अगर एक नियम नहीं दिया उसकी इतनी पिटाई करो ताकि दूसरे की हिम्मत ना हो जो वो गुंडे करते हैं फिल्मों में देखते देख फिल्मों में देखते हैं कहते हैं वो इसलिए करते हैं कि यदि ऐसा <laughs> नहीं किया तो आज एक ने मना किया।, तो किया कल दूसरा करेगा परसों पूरा मार्केट मुझे धंधा जो हफ्ता वसूली है वो नहीं देगा तो कभी ऐसा लगा आपको कि इनमें से कुछ लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं या आपको थ्रेटनिंग आपको कुछ इस तरह से दबाव या किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थिति आपके सामने आई तो आपने उसको आपने उसको कैसे हैंडल किया देखिए कहावत है जाको राखे साइया मार हाँ सके, सके ना कोई तो जिसके ऊपर ईश्वर का माता पिता का अपने गुरुओं का और अपने सहयोगियों का हाथ हो तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता आप यही मत सोचिए कि मुझे जीवी रोड में कोई थ्रेडिंग मिली हो मैं रेप और पॉक्सो केसेस की जब इन्वेस्टिगेशन करती थी तब भी मुझे थ्रेडिंग मिलती थी तभी कहते थे तेरे को जान से मार देंगे तो मैंने कहा जब तू जान से मारने आएगा तब की तब देखी जाएगी क्या, क्या पता तू ही ना मेरे हाथ से पिट जाए <laughs> तो इसीलिए कमजोर जब मैं लड़कियों को इतना मोटिवेट कर रही हूँ अगर मैं खुद कमजोर रह गई तो मेरे लिए तो लानत की बात है क्या बात है और टाइटल लेडी सिंगम का एकदम सिंगम है ना बिल्कुल आपको कैसे मिला चलिए पहले में हम अमृत की प्लीज़, प्लीज़, बात का जवाब देते हैं लेडी सिंगम का टाइटल तो मैं अगर एक्चुअल बताऊं जब मैं लड़कों को सिखाती थी तब वो के, मुझे कह तब डॉन पिक्चर बड़ी मशहूर थी तो मुझे डॉन कहते थे डॉन आ गई <laughs> तो मगर लेडी सिंगम का मुझे टाइटल ये इस तरह से मिला कि जब हम कोई अपराध होते हुए देखते हैं तो हम मुँह फेंक लेते हैं या उसकी वीडियो बना के वायरल कर देते हैं तो मेरे हिसाब से भाई दो तरह के होते हैं एक भाई होता है और एक भाई होता है है ना कहते हैं जिसकी बैकबोन स्ट्रांग होती है ना तो वो उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि इसके पीछे भाई का हाथ है ऐसे कहते हैं ना थी थी। तो जब एक 2014 की बात है जी जब दो एक नेत्रहीन बच्ची को कुछ गुंडे जब जबरदस्ती उठा के लेकर जा रहे थे सरी सरे आम भरी सड़क के अंदर गंगाराम और जानकी देवी महिला कॉलेज के आसपास बहुत भीड़ रहती है और वहाँ पे जब उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहे थे तब मैं भी वहाँ से निकली तो मैं आगे निकल गई तो मुझे लगा कि ये लड़की इनके साथ नहीं है मैं वापस आई मैंने उनसे पूछा कि बेटी को आप लड़की को आप जानते हो उसको क्योंकि मुझे लग गया था कि ये नेत्रहीन है तो उसने मेरे साथ एक हाथ से चिपक गई नहीं मैं नहीं जानती और ये क्या नाम है मुझे ज़बरदस्ती ऑटो में बिठा रहे हैं तो मैंने पूछा भी कहाँ ये तो आपको जानते नहीं कहाँ ले जा रहे हो तो उसने सोचा मैं सिविल में थी अच्छा। तो ये मैं स्कूटर पे थी और मैंने स्कूटर साइड में लगाया लड़की को हैंडल पकाया मैं कहा हाथ छोड़ भी इसका उसने हाथ पकड़ा हुआ था कि कहाँ ले जा रहे हो तो कह रहे जाजा अपना काम कर मैं कहाँ का, अपना काम ही कर रही हूँ पहले तो लड़की का हाथ छोड़ तो उसने नहीं छोड़ा और उसने एक जैसे ही थप्पड़ लगाया तो मैंने उसको ब्लॉक कर लिया उसे थोड़ी पता था कि मैं जूडो और कराटे में एक्सपर्ट हूँ जैसे उसने किया मैंने लगाया एक झापड़ उसके मुँह के ऊपर तो अब वो समझ गए कि ये तो कुछ और ही लड़की है क्योंकि मैंने थोड़ी बताया था कि मैं पुलिस में तो उसने एक सिलेरियन ब्लेड निकाल के मेरे ये मार दिया अच्छा तो जब उसने मारा तब तो बस आप देखा ना तो मैंने उसकी खूब धुनाई की दूसरे हाथ से दो नंबर पे कॉल किया और मैं पुलिस के हवाले किया उस लड़की ने केस रजिस्टर कराया मैं अपना वापस कोर्ट में चली गई और शाम को जब ये पता चला कि वो तो पहले से ही क्रिमिनल है अच्छा, वो, वो जो, जो जितने लड़के, लड़के वो हैं वो पूरा गैंग था उस लड़की को कहीं भी उठा के ले जाते पहली बात है वो बेचारी नेत्रहीन होने के कारण ना तो जगह बता पाती ना उन मुलजिमों को पहचान कर पाती ना ही वो लोग पकड़ पाते पकड़ में आते तो जरूरी नहीं है कि कोई अपराध होगा तभी आप कोई उसको पकड़े तो मैंने अपराध होने से बचाया उस लड़की की रक्षा की और तब मुझे मीडिया ने नाम दे दिया लेडी सिंगम का <laughs> तो वो स्टैक मैंने बनाए रखा मैंने ऐसे कई चेन स्नेचर और ऐसे लोगों को पकड़ा उसके बाद और उनके जैसे किसी का मोबाइल छीन लिया या बैग छीन लिया तो उनको दिलवाए कई बार क्या होता है कि हम भी बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो जो लोग गंदी हरकत करते हैं तो उनको भी मैंने पकड़वाया कई बार आप न्यूज़पेपर में देखें कि सुनसान पारक में लोग जो कई बार किसी के साथ अपराध कर देते हैं हम भी वहाँ से निकल रहे हैं तो मैंने ऐसे लोगों को भी पकड़ कर एक न्यूज़पेपर में आया था तो याद आता रहा है ऐसे मैंने बहुत से काम किए हैं जो इस तरह के मैंने लड़कों को पकड़ के जेल के पीछे भेजा चाहे उसमें मैं खुद भी कई बार कंप्लेनेंट रही तो अगर आप कोई अपराध होते हुए देखें तो उसकी क्या नाम है सूचना जरूर पुलिस में दें और पुलिस का नंबर है वन वन टू आपके जरिए जितने भी लोग <laughs> देखें इस नंबर को मैं बार बार याद कराना चाहती हूँ और जो साइबर से क्राइम होते हैं उसका जो टोल फ्री नंबर है वन नाइन थ्री जीरो साइबर से जैसे आपका इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल फ्रॉड हो गया फ्रॉड हो गया ए से पेटीएम से या कई बार महिलाओं को या पुरुषों को भी कोई हरासमेंट करता है सेक्सुअल ऑफेंस uh, मतलब कि मैसेज देकर या कोई वीडियोस देकर तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं और आप 1930 पे पर पुलिस को कंप्लेंट करें चाहे आप किसी भी स्टेट पे हो एक ही नंबर है 1930 नहीं। पर और आपका एक क्वेश्चन था तो पहले मैंने अमृत का जवाब दिया था नहीं। 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 आपने बताया कि रेस्क्यू करते वक्त कई बार आपको लोग धमकाते हैं या कुछ करते हैं देखिए हर आदमी को चाहे आप घर पे भी होते हो या कहीं बाहर होते हो या मोहल्ले में भी लड़ाई हो रही होती है जहाँ आप कमज़ोर पड़ गए सामने वाला आप पे हावी हो जाता है जिस जिसने मुझे धमकाया मैंने उसी उसी को सीधा किया ठीक <laughs> है और ये साबित कर दिया कि चाहे पुलिस मैंने वर्दी पुलिस की पहन रखी है चाहे उसमें उस वर्दी में पुरुष है या महिला है दोनों ही कमज़ोर नहीं है दोनों ही समाज की सेवा के लिए हैं डरने के लिए नहीं हैं उन लोगों को काबू करने के लिए जो अपराध को फैला रहे हैं तो डरा तो मैंने कभी भी नहीं मैं ना ना मेरे माँ बाप ने मुझे डरना सिखाया ना मेरे टीचरों ने मुझे डरना सिखाया इसलिए वो बोलते रहे मैं अंदर ही अंदर अपने मन को और अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करती रही कि मुझे इन लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है तो मैं कई बार ऐसे होता था कि ब्रोथल हाउस में अकेले जाती थी अकेले बात करती थी अकेले जाकर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी तो वहाँ पे कुछ लोग जो ग्राहक भी आते थे वो भी देखते थे तो वो मेरे रवैये से समझ जाते थे कि मैं एक ऑफिसर हूँ क्योंकि जब वर्दी पहन ली तो समाज के लिए काम करना है अपराध को पुलिस की वर्दी है अपराध को ख़त्म करना और देश को और समाज को एक सुरक्षित समाज देना तो जब मैंने आ, एक लड़की को स्कूल में भेजा और लड़कियों को मैंने कंपनी में नौकरी के लिए भेजा तो मैंने देखा कि एक बच्चा जो है वो उसकी माँ पाँव से नाड़े से बांध कर और दरवाजे के खूंटे से बांध कर ये धंधा करती थी।, थी हाँ तो मैंने कई बार देखा कि उसके बच्चे के ऊपर कोई थूक जा रहा है क्योंकि वो बच्चा आईक्यू लेवल से बहुत कमजोर था। कमज़ोर था।, था।, था मतलब मेंटल रिटायर्ड था जो अपनी उसकी आईक्यू लेवल था वो बहुत ही कम था तो कोई उसके मुंह में भी दारू डाल जा रहा है कोई आ रहा है तो लात मार कर जा रहा है कोई गाली देकर जा रहा है तो ये मानवता नहीं है जी। ठीक है उस हाँ अगर मैं पुलिस में नहीं भी होती तो मैं भी ये देखकर बर्दाश्त नहीं करती कि एक तो वो बच्चा है दूसरा वो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर है तीसरा ये कह के कि वो सिर्फ़ एक धंधे वाली का बच्चा है तो इसलिए उसको तुम जैसा मर्जी ट्रीट कर दो तो मैंने उसकी माँ से कहा कि तुम ये काम क्यों करती हो तब उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ाई करती थी मेरे को नौकरी देने के बहाने यहाँ पर बेच दिया गया और मैं ये काम नहीं करना चाहती बस उसका एक ये वर्ड था कि मैं नहीं करना चाहती मैंने उसे कहा कि मैं आपको सपोर्ट करूँगी मैंने उसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाई अपने ऑफिसर्स को भेजी मैंने उस बच्चे का चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑर्डर से इबाश में इलाज कराया उसके मेंटली स्टेटस को जाना उसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसका इलाज आज भी चल रहा है बच्चे का ट्रीटमेंट है जो कि धीरे 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 उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो रही है और उस लड़की को जब मैंने नौकरी पे लगाया तो उससे मुझे ये साबित हो गया तो ऐसे यहाँ से कई लड़कियाँ निकलना चाहती हैं और मैंने धीरे धीरे करके लड़कियों के साथ काउंसलिंग शुरू कर दी उनसे एक पारिवारिक तौर पे जैसे एक बड़ी बहन होती है या छोटी बहन होती है मेरे से कई बड़ी उम्र की भी लड़कियाँ हैं लेडीज़ हैं एक तो मैं आ, उनकी काउंसलिंग करके धीरे धीरे वहाँ से कई लड़कियाँ जिनको मैं नौकरी लगवा चुकी हूँ और ये मैं आ, भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसी सोच दी कि मैं समाज को बदलने के लिए उन महिलाओं को जो कहीं ना कहीं इस दलदल में फंस गई हैं उनका मैं सहयोग कर सकूं और कोरोना समय से ही मैंने वहाँ पे बहुत सी दवाइयाँ बहुत सारे जो सैनिटरी उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको मैंने पूरा किया और 2020 से ही मैं डेली शाम को वहाँ करीब साढ़े तीन सौ लोगों को खाना बंटवाती हूँ okay. वो मेरे एक फ्रेंड सर्कल में आ, सब मिलकर हम इसको आ, मेरी बहुत अच्छी आप दोस्त है। सारे जी से भी जुड़े हुए हैं हाँ तो जो एन भी आती है उनकी मदद से भी हम कुछ ना कुछ आ, उनके लिए प्रोग्राम करते रहते हैं दिवाली होली रंगोली सब चीज़ें वो बनाती हैं और आ, मेरी जब डीसीपी श्वेता चौहान मैम थी तो हमने वहाँ पे ऊपर आ, अपनी चौकी के ऊपर एक हॉल बनाया जहाँ पे उनको वोकेशनल कोर्सेज़ कराए जाते हैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने टाइम को देखते हुए लड़कियाँ आती हैं सिलाई कढ़ाई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स हमने अपने दिल्ली पुलिस युवा प्रोजेक्ट के थ्रू करवाया ताकि उनको एक सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट के थ्रू वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें ये जो दे व्यापार वाला धंधा इसको छोड़कर जैसे एक आम महिला सम्मानित महिला जो एक घरेलू महिला काम कर सकती है वो इन चीज़ों को कराया खाना बंटवाना और मैं हर महीने करीब पचास से साठ लड़कियों को राशन बांटती हूँ ताकि अगर कोई महिला ये सोच ले कि वो जिद कर ले कि जिस धंधे को आपने मुझे अपनाने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती की और मैं उसमें लीन हो गई अब मैं अपनी पूरी क्षमता से इस दे व्यापार को छोड़कर आम जिंदगी में आना चाहती हूँ तो मैं भूखी नहीं मरूंगी तो इसलिए उनको उसी तरह अगर उन लड़कियों के लिए, तो 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 लिए स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसा कोई पर्सन जो ऐसी जगह से आया हो उसको अपने बता दू मुश्किल हो जाता है कि उनको स्वीकार किया भी नहीं जाता आज ये समाज उनको कहता है कि आ, आप इस जगह से आई हो तो आप समाज में भी एक हिम्मत होनी चाहिए कि उन बच्चियों को उन लड़कियों को उन महिलाओं को सम्मान दें ठीक है वो एक समय था एक दौर था वो उस जगह थी आज वो निकलना चाहती हैं आज उन्हें पता चल गया है कि ये बात ठीक नहीं है दिल्ली पुलिस तो उनकी मदद कर ही रहा है मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि उनको मैं एक सही मुकाम तक उन्हें एक सही जगह पे भेजा जाए जहाँ पे उनको इज्जत से बुलाया जाए आप करके बुलाया जाए अब मैं आज भी जाती हूँ तो वो मुझे दीदी बोलती हैं और मैं भी उनको दीदी बोलती हूँ और आप करके बोलती हूँ मैंने उन्हें कभी तू करके नहीं बोला कि तू क्या है तू कैसे है वो जब सम्मानित होते हैं तो मेरे गले मिलती हैं रोती हैं और मैं कभी शर्म नहीं करती कि आ, उनको गले लगाने से अगर उनका दुख तकलीफ मेरे गले लगाने से कुछ कम होता है तो मैं उनको खूब प्यार करती हूँ अच्छा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वो वहाँ की सब लड़कियाँ समाज में सम्मान पाए और एक अच्छी जिंदगी जी जी दीदी पांच ऐसी बातें जो आप हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को कहना चाहती हैं कि भाई इन पांच बातों को अपने जीवन में ध्यान रखना आपका करियर बहुत बढ़िया होगा जी बिल्कुल पहली बात जी। जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनकी हमेशा हमेशा इज्जत करें टीचर जिन्होंने आपको समाज में मिट्टी से सोना बनाया उनका हमेशा आदर करें उनका सम्मान करें चाहे टीचर आपके पब्लिक स्कूल के हों गवर्नमेंट स्कूल के हों या कहीं पे भी आपको शिक्षा देने वाले हों तीसरा जिस जगह आप काम करते हैं उसमें ईमानदारी और मेहनत की जरूरत है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करें चाहे किसी के घर में आप छोटा मोटा काम करें या देश के लिए काम करें देखिए आज एक लक्ष्य बनाया मेहनत की ईमानदारी दिखाई तभी हमारा भारत चंद्रयान तक लेकर पहुंच गया तो कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहां पे आप अपने आप को मुकाम हासिल नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बड़ी बात है कि बिना मेहनत किए जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं चोरी चकारी करके छीना झपटी करके वो जीवन नहीं है वो एक धब्बा है जिसे आप अपने माँ बाप का नाम खराब कर देंगे और आ, समाज में आप खुद अपनी गरिमा खो देंगे पढ़ लिख कर इज्जत से अपनी मेहनत से जो कमाया हुआ कोई चीज़ लेंगे उसकी वैल्यू आपको पता होगी जो न्यू जनरेशन है या जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप का कहना ना मानकर चोरियां कर लेते हैं चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर चोरी कर ली गाड़ी चोरी कर ली और उसी गाड़ी में बैठकर किसी का मोबाइल छीन लिया किसी गरीब आदमी का या लाचा कोई ऐसा आदमी जो अपने पूरे महीने की मेहनत करके पैसा कमा कर जा रहा है उसको आपने छीन लिया मोबाइल छीन लिया किसी की चेन छीन ली तो आप कुछ टाइम उससे पैसा कमा सकते हैं तो मतलब उस पैसे को खा सकते हैं आ, अगर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको चोरी भी नहीं की जा सकती तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे और अगर आपने मेहनत की होगी पढ़ाई की होगी तो आपके हुनर को मरते दम तक कोई नहीं छीन सकता बुज़ुर्ग आदमी भी अगर अपने किसी काम को शुरू करता है तो मरते दम तक उसकी पीढ़ियाँ खाती हैं उसकी पीढ़ियाँ दर बर दर आगे उसी काम को चलाती हैं चोर कभी नहीं कहेगा कि मेरा बेटा भी चोर बने बस वो चोर बन गया तो मैं ये समझती हूँ कि उसकी नालायकी थी उसका एक ऐसा तो काम था जो लापरवाही का जो उसको चोर बना गया जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं आप YouTube पर अपनी उम्र से बढ़कर कोई ऐसी बातों को सीखते हैं या आप उसको अमल करते हैं जिससे आपका जीवन धीरे 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 खोखला होता जा रहा है दिमाग की तरह वो गंदगी जो आपके जीवन में बैठ रही है उससे आप लापरवाह हो जाते हैं और अपने जीवन के जो अनमोल पल हैं जिसे मैं ये कहती हूँ सोलह साल की उम्र से लेकर एक पच्चीस छब्बीस सत्ताईस साल तक अगर आप उस जीवन को ढालते रहते हैं गंदी चीज़ों में गंदी आदतों से तो उससे आपको 25 साल के बाद या 30 साल की उम्र में पता चलेगा कि हमने अपने जीवन के वो गोल्डन पीरियड खो दिए जहाँ हमें कुछ सीखना था कुछ बनना था अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना था वो पल खो दिए हैं क्योंकि जब हम एक पेड़ भी लगाते हैं उसकी जड़ें तभी मजबूत होती हैं जब वो पूरे ज़मीन में फैल जाती हैं तो जब फैल रही होती हैं तो उनका यंगनेस पीरियड होता है जब वो पौधा लगता है तो बचपन होता है जब वो फैल रही होती है यंगनेस रहती है और जब वो एकदम मजबूत हो जाती हैं वो आपका एक मेचोरपन होता है जो एक बुढ़ापे तक वही पेड़ स्ट्रांग रहता है जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं तो अपनी जीवन में जो पीरियड सीखने का है उसमें खूब सीखें स्कूल पीरियड सीखने के लिए है कॉलेज पीरियड सीखने के लिए है जब हम नौकरी करते हैं तो वो जो सीखा हुआ होता है उससे हम अपने आप को बढ़ोतरी करते हैं चाहे वो बिजनेस हो चाहे नौकरी हो चाहे देश की सेवा हो ग्रेट बहुत शानदार दीदी थैंक यू मैं आप सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहूँगा आज जो भी बात आपने सीखी और सुनी और समझी है ना उसको केवल एक सुनने के माध्यम से इन्जॉय के माध्यम से ना सुने उसमें से बहुमूल्य रत्न चुनकर अपने साथ ले जाएं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि कुछ ही वर्षों में आपका जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर होगा आपका जीवन बेहतर हो आप निरंतर प्रगति की ओर मैं और किरण दीदी अमृत इस गाने के साथ अपनी एंड करेंगे जीवन चलने चलने का नाम चलते रहो सुबह और शाम के रास्ता कट जाएगा, जाएगा मित्रा के बादल छट जाएंगे मित्रा के दुख से रुकना ना मित्रा के एक पल रुकना ना मित्रा जो जीवन से हार मांग ले, उसकी हो गई, गई।, गई कुट्टी गई तो जीवन से कभी कुट्टी नहीं करनी और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना शानदार शानदार थैंक यू दीदी आपके बहुमूल्य समय का और हमारी ऑडियंस को बहुत सारी बहुमूल्य अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने और दिल्ली पुलिस के साथ हमेशा अपना सहयोग बनाए रखें दिल्ली पुलिस सिर्फ आपके लिए है हमेशा दिन हो या रात हो जय हिंद जय भारत जय हिंद